मॉर्निंग, वेलकम टू माई न्यू व्लॉग। तो अभी सुबह के 9 बज रहे हैं, अभी अभी जस्ट उठा हूँ मैं। लास्ट व्लॉग में आपने देखा मैं अल्मोड़ा आया हूँ पीयूष और मम्मी जी के साथ में गोल्दी की शादी में। अभी मेरे को जाना था पहले तो थार को धुलवाने के लिए, बट इतना ज़्यादा फॉग हो रहा है तो इतने फॉग में गाड़ी चलाना बिल्कुल भी ठीक नहीं है। जब फॉग जाएगा तभी गाड़ी चला सकते हैं। बाय द वे पीयूष भी उठ चुका है, तो फिलहाल मैंने अपने बैग वैग तो ले लिया है, लैपटॉप वाला भी और ये वाला भी, बिकॉज काफ़ी ज़्यादा लोग हो गए ना वहाँ पे घर में, कोई बैग पटक पटक रहा था क्योंकि इसमें लैपटॉप भी है और कैमरा भी है तो नुकसान वगैरह ना, इसलिए मैंने बैग अपने साथ ही रख लिया। तो भी फॉग थोड़ा कम हुआ है और हम जा रहे हैं ऊपर की साइड। बैग इतना भारी हो रहा है ना, इसको टांगना ठीक नहीं है तो गाड़ी में रख दूंगा। तो अभी घूमते फिरते हम रोड में पहुंच गए हैं, थार तो लेके नहीं आए बिकॉज अभी फॉग गया नहीं अच्छे से ना। सुबह सुबह मस्त मॉर्निंग वॉक हो गई हमारी, ना सामने वाला पहाड़ दिख रहा ना इधर वाला पहाड़ दिख रहा, कहीं कुछ नहीं दिख रहा। तो अभी फिलहाल फॉग खत्म हो चुका है और क्लियरली सारे पहाड़ दिख रहे हैं और हम घर की साइड जा रहे हैं। हम काफी दूर तक गए चल के, काफी मस्त मॉर्निंग हो गई हमारी। और हमने यहाँ पे होटल बुक करा है अपने लिए क्योंकि बहुत लोग आ जाएंगे ना, तो रात को एडिटिंग के लिए स्पेस चाहिए। तो अभी हम एक शॉर्टकट लेके जा रहे हैं, यहाँ से उधर है वो उधर घर हमारा। घर पे पहुंच गया, घर के ऊपर टेंट लग गया और यहाँ भी टेंट लग रहा है। है ना, ये कितना मस्त लग रहा है देख। तो अभी फिलहाल हम जा रहे हैं होटल पे, वहाँ चेक इन करते हैं, नहाते धोते हैं, कपड़े चेंज करते हैं और फिर आएंगे यहाँ पे। यहाँ पे घर पे तो बहुत ज्यादा भीड़ हो चुकी है तो यहाँ पे तो नहा नहीं पाएंगे हम। होटल बुक करना काफी जरूरी हो गया था बिकॉज एडिटिंग में रात को दिक्कत आ रही थी। तो अब ठीक है, अपना सामान भी यहीं पे आ गया है, यहीं पे नहा लेंगे धो लेंगे और फिर चलेंगे शादी में वहीं पे, और रात को यहीं पे आ जाऊंगा मैं एडिटिंग के लिए बस, ताकि एडिटिंग में प्रॉब्लम ना हो। और यहाँ पे वाईफाई वगैरह भी है ना, तो वहाँ पे मैं सुबह 4 बजे सोया था क्योंकि अपलोड ही नहीं हो रही थी और दिक्कत भी हो रही थी सबके साथ साथ में एडिटिंग करने में ना। तो अभी गाइस रेडी तो हो चुके हैं सभी के सभी, तो मेरे दोनों बैग कपड़े और कैमरे का सामान सब यहीं पड़ा हुआ है, बस हो गया हो गया। तो थार भी अपनी मस्त धुल गई है, अब इसको लेके चलते हैं। घर पे मैं थोड़ा बहुत ही ब्लॉग कर पाऊंगा बिकॉज वहाँ पे गाने चल रहे हैं डीजे पे, तो काफी आवाज आ रही है, तो ब्लॉग करना इम्पॉसिबल ही जाता है और लोग भी काफी ज्यादा रखे हैं, बट फिर भी थोड़ा बहुत ट्राई करेंगे, अगर गाने रुकेंगे तब ब्लॉग करेंगे। शादी के घर पे आने का गेट, आजा आजा आजा। अरे हिट द गाड़ी कमला मड़ में मेरो बमला चोर मुनु मुनु मासाना अब बच गो मेरो मनला चोर मुनु मुनु मासाना तेरी मेरी जोड़ी। Time to sleep. Yeah, spend my time running around, keeping people pleased. But this is my favorite holiday. It's a chance to start over new. भाई घर पे तो क्या मजा आ रहा है, बस नाचे जा रहे हैं नाचे जा रहे हैं। अभी फिलहाल हम जा रहे हैं नीचे वाले घर में जहाँ पे अमरूद लगे हुए हैं, तो थोड़े बहुत अमरूद खा के आएंगे, बहुत मीठे मीठे ऑर्गेनिक अमरूद लगते हैं वहाँ पे। यहाँ पे थोड़ा खतरनाक है क्योंकि इधर खाई है पूरी, नीचे पानी है, इधर देखो आवाज आ रही है पानी की आपको। अरे पुराना वाला वॉशरूम, चलो। ओ भाई भाई जाले जाले लगे हुए हैं इसमें, तो पता नहीं कितने हजार सालों से यूज नहीं कराए। तो ये वाला घर था पहले, यहाँ पे हम फुल खेलते थे इस आंगन में, यहाँ पे बैठ के खाना खाते थे, यहाँ पे क्या क्या नहीं करते थे हम। ये वाला पेड़ है मेन अमरूद का, जहाँ मीठे मीठे अमरूद होते हैं, तो एक तोड़ के देखते हैं कैसा हो रहा है ये वाला। अब लोग कमेंट करेंगे धोया नहीं है मीठा। सुबह जब हमने अमरूद तो खा लिया है और उससे हमारा भी मन भर गया है, तो अभी वहाँ पर एक संतरे का हमको पेड़ दिख रहा है, ये देखो मस्त वाले संतरे लगे हुए हैं, तो एक तोड़ लेता हूँ मैं। सुबह जब हम जा रहे हैं ऊपर वापस पूजा दी को लेने, पूजा दी और जिया जी आ चुके हैं, प्रणाम। चलो एक दो बैग तो मैं पकड़ लूंगा, मेरे तो एक हाथ में कैमरा रहता है भाई, तो एक हाथ तो अपना फ्री रखना पड़ता है मुझे। आपकी पत्नी कहाँ है? मेरी पत्नी, हाँ। मेरी पत्नी कहाँ से आएगी? फोन में तो आई थी।
फोन में आपको चाकू से मार रही थी। अरे वो गाना था, पत्नी नहीं है क्या यार? फूल कैसा खा लेते। आपने देखा वो गाना? हाँ। कैसा लगा आपको? अच्छा, अच्छा लगा। अच्छा उसमें डांस करने वालों, मेरी शादी वादी नहीं हुई यार, अभी तो मैं बच्चा हूँ आपकी तरह। तो अभी यहाँ पे बन रहा है खाना, लड्डू वड्डू, आज का सारा खाना ऊपर ही बनेगा। तो अभी फिलहाल लंच करते हैं और उसके बाद चलते हैं कहीं पे। तो खाने में दाल चावल और आलू। तो अभी कम्प्लीटली ये चमकने वाले लगा दिए जो कितने मस्त लग रहे हैं हवा में उड़ते हुए। तो अभी हम जा रहे हैं होटल रूम पे, मेरे को अपना कैमरे वाला बैग चाहिए, उसमें पावर बैंक है, बहुत कुछ है। कैमरा बैग ले आया हूँ, अब चलते हैं। तो अभी हम यहाँ पे रुके हैं क्योंकि ये देखो गाइस कितना क्लियरली हिमालय दिख रहा है यहाँ से। जैसा हमको रियल में दिख रहा है ना आंखों से, वैसा कैमरे में या फिर वीडियो में नहीं दिखता। कभी चलेंगे वहां पे हिमालय पे। तो अभी गाइस यहाँ पे टूटी हुई है रोड, इसलिए हम आगे नहीं जा पा रहे हैं। हमको आगे जाना था तो गाड़ी से आगे ले जाना ठीक नहीं है, बिकॉज ये खिसक सकता है ना, ये कभी भी खिसक सकता है नीचे। हमारी गाड़ी भी नीचे जाएगी हमारे साथ में, तो इसलिए गाड़ी यहीं पे खड़ी है फिलहाल। क्या करें, फिर पैदल चलेंगे आगे? हमारे पास थार है, हम ऑफ रोडिंग कर सकते हैं, बट ये चीज नहीं कर सकते हम क्योंकि इसमें रिस्क है ना। एक काम करो, थार को बैक कर लेता हूँ। हाँ कहीं पता लग रहा है, हम आए और थार नीचे। ये देखो कितनी पतली रोड है ना, यहाँ पे पत्थर भी लगा रखे कि यहाँ मत जाना, तो ये सिग्नल है। तो फिलहाल हम पैदल ही जा रहे हैं, समझदारी इसी में ही है, यहाँ पे ज्यादा ओवर स्मार्ट बनने की जरूरत नहीं होती है, नहीं तो फिर आगे और टूट रखी है। ये देखो इधर भी टूटी है पूरी। ये देखो आगे एक और टूटी है। तो हमको आना था यहाँ पे, इस वाले व्यू पे। तो अब हम फिलहाल जा रहे हैं यहाँ से वापस घर।